भारत के अधिकांश शहरों में अस्थमा है। केवल सांस लेना और छोड़ना सभी कम से कम इतनी खुशी के हकदार हैं, है ना? हमने कई लोगों का अस्थमा पूरी तरह से ठीक होते देखा है। नमस्कार सतगुरु, मैं लंबे समय से अपने अस्थमा को दवा से कंट्रोल कर रहा हूँ। अस्थमा को खत्म करने या कम से कम कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? भारत के अधिकांश शहरों में अस्थमा है। अगर आप दिल्ली में हैं, तो ये अकेली ऐसी जगह है जहाँ हवा दिखाई देती है। ये अच्छा है इतनी जरूरी चीज को देख पाना। हवा इतनी घनी है कि दिखाई देती है। अगर आपको पहले ही कोई समस्या है तो शहर आपके लिए ठीक नहीं है। कम से कम गांव में जाने का यही समय है। ओ, मैं क्या करूं, मैं नौकरी करता हूं। What do you do with the job if you're wheezing morning, evening? अगर सुबह शाम सांस की परेशानी हो तो नौकरी का क्या फायदा? गांव में पैसा कम मिलेगा पर सांस अच्छी मिलेगी, ये मेरी राय है। कम से कम सांसें आसान होनी चाहिए, कुछ और नहीं तो, है ना? इतना सुख तो इंसान को मिल सकता है। बस सांस लेना और छोड़ना कम से कम इतने सुख के सभी हकदार हैं, है ना? पर दुर्भाग्य से सभी बड़े शहरों में यही हो रहा है, सांस लेना मुश्किल है। आप देखेंगे, अगर आप ताजी हवा वाली जगह पर रहते हैं तो आपका अस्थमा 25-30% कम हो जाएगा। बाहरी समस्या को दूर करने के बाद अंदर की समस्या को संभालना संभव हो जाता है। मनुष्य के रोग दो तरह के होते हैं, संक्रामक रोग और स्थायी बीमारियां हैं। संक्रामक रोग शरीर में तब होते हैं जब एक बाहरी जीव आक्रमण करता है और परेशानी पैदा करता है जिसे दवा से ठीक करना पड़ता है। पर स्थायी बीमारी यानी हमारा शरीर ही समस्या पैदा कर रहा है, सिस्टम खुद ही रोग बना रहा है। क्योंकि समस्या अंदर पैदा की जा रही है, इसीलिए भीतरी समाधान खोजना बहुत जरूरी है। इनर इंजीनियरिंग प्रक्रिया बस इसी के बारे में है कि आप अपने भीतर बुद्धि और क्षमता के सबसे गहरे आयाम तक पहुंचे जो इस शरीर को पैदा कर सकती है। ये सोचना और मानना कि मेरी सभी समस्याएं बाहरी कारणों से हुई हैं और समाधान भी बाहर हैं, ये समस्या को सुलझाने का मूर्खतापूर्ण तरीका है। डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अस्थमा, एलर्जी, मोटापा, खाने के विकार और ऐसे कई पुराने रोग जो सभी मूल रूप से अंदर से पैदा होते हैं, All these things can be quelled from within. इन सभी चीजों को अंदर से मिटाया जा सकता है अगर हम बस अपने सबसे भीतरी आयाम पर ध्यान के लिए राजी हों तो। यदि आप दूध छोड़ दें तो आप देखेंगे, हमने देखा है कि कई लोगों को सिर्फ दूध या दूध से बनी चीजें खाने से अस्थमा होता है। दूध छोड़ने से उनका दमा चला जाता है। बहुत से लोगों की कम से कम 50% समस्या दूध से बनी चीजों से होती है। अगर उसे हटा दें तो 50% ठीक हो जाएगा, बाकी 50% आसानी से संभाला जा सकता है। दूध और दूध से बनी चीजें लेने से बलगम की समस्याएं ठीक नहीं होती। ऐसी चीजों से कफ बहुत बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को केला, कटहल,
पका हुआ चुकंदर नहीं खाना चाहिए। आप कच्चा चुकंदर खा सकते हैं, पर पके हुए चुकंदर से बहुत बलगम बनता है। एक और चीज जो दैनिक सेवन के लिए बहुत अच्छी है वो है शहद। शहद धरती का अकेला ऐसा पदार्थ है जिसकी रासायनिक संरचना इंसानी खून के बहुत करीब है। अगर आप कुछ चीजें बदल दें तो ये लगभग खून की तरह है। रोज शहद खाना आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर उनके लिए जिन्हें ज्यादा बलगम की समस्या है।